कभी गुस्साते हो और कभी मान जाते हो। प्यारे हो तुम, बहुत प्यारे हो। नहीं छोड़ रहा मैं तुम्हारा हाथ, कान खोल खोल कर सुन लो। नहीं छोड़ रहा मैं तुम्हारा हाथ, हमेशा तुम्हारा साथ देने वाला हूँ। और ये दुश्मन, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये जो मन की चिंता, मन में व्यथाएं लिए दिन भर जीते हो ना, निकालो और बाहर फेंक दो। शांति से पालथी मारकर चुपचाप बैठ जाओ और देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस बार सच सबके सामने आएगा, और ऐसे आएगा ना कि इसके बाद कोई तुम पर सवाल खड़े नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ कि संघर्ष के दौर से तुम गुजर रहे हो, जहाँ रोज़ एक एक दिन जीना मुश्किल है। चेहरे पर मुस्कान लिए रहना है, दिखाना है सबके सामने कि सुकून है, शांति है, पर मन के भीतर जो चंचलता है, जो व्याकुलता है ना, वो मुझे दिख रहा है और उसे मैं जल्दी नष्ट कर दूंगा। मुझे फूलों में देखते हो, तितलियों में देखते हो, इधर उधर खोजते हो, कभी अपने दीपक में देखते हो, कभी आसमान के बादल में, पर कभी अपने भीतर क्यों नहीं देखते हो? अपने भीतर भी देखो, मैं बैठा हूँ हिम्मत देने के लिए। ये 3-4 दिन बस बीत जाने दो, उसके बाद निश्चित ही तुम्हारी समस्या का पूर्णतः समाधान भी होगा। बस एक बात याद रखना कि अपनी वाणी पर काबू रखना। गुस्सा आए तो भी सिर्फ मुझे याद करना, अपने आँखों के सामने मेरे चित्र को देखना, किसी पर क्रोध मत निकालना, और सबसे बड़ी बात, सच्चाई भी शांति से अपने मन में रखे रहो। हर किसी से जाकर सच्चाई भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बातें ये जो घूमी फिरी सी लग रही है ना, तुम सब समझ जाओगे, पर अगर मेरी बात मानोगे, मुझ पर विश्वास रखोगे, दृढ़ विश्वास, तो हर समस्या से बाहर निकल जाओगे। अगर मेरी बात मानोगे और मुझ पर विश्वास करोगे और चिंताएं मुझे दे दोगे ना, तो तुम्हें बदले में मैं आशीर्वाद में मेरी एक सच्चरित्र दूंगा। बोलो, अगर चाहते हो ये, तो चिंता किए बिना शुरुआत करो।